फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं द कम्युनिटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। जो कम्युनिटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन है द कम्युनिटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स इज। जो कम्युनिटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो कैपिटल एफ एक्स से डिनोट किया जाता है। कैपिटल एफ एक्स बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी कि इसमें सारे जो प्रोबेबिलिटी किसी हमारे पास एक्स कोई वैल्यू दी हुई होगी उससे सारे पॉइंटों के लिए एक्स लेस देन इक्वल टू के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी कम्युनिटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड्स हमने लास्ट उसमें लिया था, एक एग्जांपल लिया था कि हमारे पास जो एग्जांपल था लास्ट वीडियो में वो था हमारे पास 8 कंप्यूटर है हमारे पास जिनमें से 3 डिफेक्ट थे और हमने उसमें से चूज किए थे 2 कंप्यूटर्स। उसके बाद हमने निकाले थे प्रोबेबिलिटी कि 0 डिफेक्ट हो, 1 डिफेक्ट हो और 2 डिफेक्ट हो। तो यहाँ पे भी हम निकाल लेते हैं 8 कंप्यूटर्स है टोटल हमारे पास, कंप्यूटर्स जिनमें से 3 डिफेक्ट हैं हमारे पास, तो और चूज करने हैं हमें फ्रेंड्स 2। तो 8 कंप्यूटर्स में से 3 डिफेक्ट हैं जिनमें से चूज करने हैं 2 कंप्यूटर्स। तो इस तरह से पी एक्स बराबर 0 यानी कि एक भी डिफेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी जो आई थी वो हमारे पास यहाँ पे हमने निकाली थी F0 बराबर 3C0 5C2 अपॉन 8C2, जो कि आई थी हमारे पास 10 अपॉन 28। तो ये हो गई हमारे पास फ्रेंड्स 10 अपॉन 28। इसी तरह पी एक्स बराबर 1, तो ये उसके लिए आ गई थी हमारे पास प्रोबेबिलिटी, ये पी एक्स बराबर 1 यानी F1 बराबर जो आई थी हमारे पास ये निकाली 3C1 5C1 अपॉन 8C2, तो ये आ गई थी हमारे पास 15 अपॉन 28। और फिर इसके बाद ये आया था हमारे पास पी एक्स बराबर 2 यानी कि 2 डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी वो थी 3 अपॉन 28। तो पी एक्स बराबर 2 बराबर आए थे 3 अपॉन 28। अब फिर से हम एफ एक्स को किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल एफ एक्स बराबर कैपिटल एफ एक्स बराबर हम कह सकते हैं 10 अपॉन 28। कब होगा ये हमारे पास 10 अपॉन 28, इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 हो, 0 हो, सॉरी फ्रेंड्स 0 यानी कि 0 से कम या 0 डिफेक्ट, यानी कि 0 डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी। और उसके बाद आएगा हमारे पास इफ एक्स एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो उस कंडीशन में यानी कि इसको कह सकते हैं हम एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है। एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी हमारे पास 10 अपॉन 28 प्लस 15 अपॉन 28, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स 25 अपॉन 28। और हमारे पास x लेस देन इक्वल टू 2 होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो तीनों सम होके 1 हो जाएगा, यानी कि x या तो लेस देन 2 होगा या तो इक्वल टू 2 होगा या लेस देन 2 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जो कम्युनिटिव फंक्शन जो आएगा कम्युनिटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वो हमारे पास 1 आएगा। इस तरह से फ्रेंड्स हम कम्युनिटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं।